ये साला सांप के नाम सुनते ही हम इंसानों को ऐसा डर पैदा हो जाता है कि पैंट में ही सुसु निकल जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जी हाँ, दिल थाम के देखिए इस वीडियो को। दुनिया के बेहद खतरनाक और जहरीले सांप के बारे में हम बताएंगे आपको। दुनिया में ऐसे ऐसे सांप है कि मात्र 10 सेकंड में ही इंसानों की जान ले सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक भरी वीडियो का। मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हैं मुकेश यूट्यूबर अगेन। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दे ताकि हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 1, टाइपन। टाइपन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला दूसरा सबसे खतरनाक सांप है। बार में ये इतना जहर छोड़ता है कि उससे एक बार में ही 12,000 पीक की जान जा सकती है। इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिस होता है। अफ्रीकन ब्लैक माम्बा की तरह एंटीवेनम बनने से पहले इसका काटा कोई भी इंसान बच नहीं सकता। इसके काटने के एक घंटे के अंदर में इंसानों की मौत हो जाती है। नंबर 2, ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा लगभग पूरे अफ्रीका में पाया जाता है और ये सांप अफ्रीका में काटने वाले को सबसे ज्यादा मौत के जिम्मेदार होता है। धरती के सबसे तेज चलने वाला सांप है जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करता है। खतरा महसूस होने पर यह लगातार 10-12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है। इसका जहर फास्ट न्यूरोटॉक्सिस होता है। ब्लैक माम्बा का सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। ब्लैक माम्बा के काटते ही आदमी के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अफ्रीका में यह सांप इतना पाया जाता है कि अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले इसी सांप का एंटीडोट मरीज को दिया जाता है। नंबर 3, टाइगर स्नेक। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिस जहर होते काटने के 20 से 24 मिनट के भीतर इंसान की मौत हो जाती है। एंटीवेनम बनने से पहले इसके काटने से मरने वाले इंसान का 70%, लेकिन इसके बावजूद भी यह इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि इंसानों को मुठभेड़ होने पर यह सांप भाग जाता है। यह काटता उसी स्थिति में है जब यह किसी कोने में है, भागने के लिए कोई जगह ना हो। नंबर 4, फिलीपीन कोबरा। कोबरा के अधिकतर प्रजातियां ज्यादा जहरीली नहीं होती पर फिलीपीन कोबरा इसका अपवाद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शिकार को डसने के बजाय उस पर दूर से ही जहर थूकता है। ये 3 मीटर के दूरी से भी शिकार पर जहर थूक सकता है। ये सांप एक बार में काफी मात्रा में जहर थूकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिस होता है जो कि सीधे श्वसन और हृदय तंत्र पर असर दिखाता है। जहर तत्काल असर दिखाना शुरू कर देता है। सांस लेना काफी मुश्किल हो जाता है। नतीजा होता है हार्ट अटैक। इसके जहर थूकने के 30 मिनट के अंदर ही शिकार की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।